हाँ जी, वोकैबलरी दे थर्ड डे दे विच तुहाडा स्वागत आ। होप उम्मीद करदा वधिया सीख रहे होंगे, वर्ड समझ आ रहे होंगे। अपने वल्लों पंजाबी दे विच नाल ट्रांसलेट करन दी कोशिश कर रहे हाँ। तां चलो जी, अज डे थ्री दी वोकैब स्टार्ट करदे हां। 20 वर्ड्स करांगे। हो सकदा तुहानू कुछ पहला पता होण, कुछ नवें भी होणगे तुहाडे लई। तां टोर, टोर हुंदा जी पाड़ देना, ठीक है, जिवें किसे कागज़ नूं पाड़ देना, टोर, ठीक है। मड, मे बी थानू पहला पता होवे, चिक्कड़ हुंदा, ठीक है, मड चिक्कड़। इरप्शन, इरप्शन हुंदा जी फटना किसी चीज़ का, थोड़े जे ईजी वर्ड ने, ठीक है, फटना, इरप्शन फटना, जिवें ज्वालामुखी वोलकैनोज़ का फटना, ठीक है। एक्सप्लोजन भी फटना ही होंदा, बट इहदा मीनिंग होंदा धमाका होना। हलो, धमाका होना। तो ये थोनू किदां दी रीडिंग्स दे विच वर्ड आउंदे ने, जिथे कोई माउंटेन्स दे नाल आ जांदियां ने, वोलकैनोज दे उपर रीडिंग्स आ जांदियां ने, ठीक है, जां पहाड़ी एरियाज़ दा जिथे कोई बंब धमाके होए होंदे ने उहनां दे उपर, न्यूकलीयर एनर्जी दे उपर कोई आ गई, साइंस नाल रिलेटड रीडिंग्स आ गईयां, तां उहनां दे विच थोनू इदां दे वर्ड मिलदे होंदे ने, ठीक है जी। तां इक इक वर्ड लिखो जी, एवैकुएशन, एवैकुएट करना जां एवैकुएशन, एवैकुएशन इहदा मीनिंग हुंदा जी द प्रोसैस ऑफ रिमूविंग समथिंग, ठीक है, भी किसी चीज़ नूं रिमूव करना, बाहर कढ़ना, प्रोसैस है एक तरह का, एवैकुएशन प्रोसैस लिख देना नाल, किसी चीज़ नूं बाहर कढ़ना। अगे चलते हैं जी, एज पता होगा शायद, किनारा, बट रीडिंग आता ता करके। डोरमेट वर्ड आ जाता जी, डोरमेट, डोरमेट की हुंदा जी, ये स्पेलिंग देख ला मैं एक मिनट, ओके चलो इनू रहन दो, एक बारी मैं कल वाली रीडिंग च पा, कल वाली सीरीज़ च पा दूंगा ये स्पैलिंग चैक करके। एक्चुअली ये स्पैलिंग गलत ने, क्योंकि ता स्पैलिंग मैं नहीं पा रहा, कई बार कन्ना नू याद नहीं रहिंदा कि की वर्ड की प्रोनंसीएशन है, मूँह नू नहीं बोलनी आउंदी, बट अखां नू वर्ड की पहचान हो जाती है। तो रीडिंग दे विच जे गलत वर्ड थोड़े सामने आ गया, जे इत्थे मैं गलत लिख दिता तो उत्थे तुसीं गलत पढ़ जाओगे, इस करके मैं इहनू रिमूव कर रहा, ठीक है। एक अगे लिख लो जी, यूबीक्यूटस, तो यह हों जी सर्वव्यापक, सर्वव्यापक मतलब जिहड़ा हरेक जगह पर मौजूद होवे, जिवें मैं कह दिया एग्जाम्पल देख लो, द ट्रेंड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक हैज़ बिकम यूबीक्यूटस। ता प्लास्टिक नू वरतन दा जिहड़ा ट्रेंड हैगा आ, वह सर्वव्यापक हो गया, सर्वव्यापक जिहड़ा हरेक जगह पर हो जाए, ठीक है, ओके चलो हरेक जगह पर नहीं होया, बिकम ऑलमोस्ट यूबीक्यूटस, ठीक है, लगभग हरेक जगह पर हो गया। तो आपां नू पता ही है प्लास्टिक हरेक जगह पर लगभग वरत्या ही जांदा, ठीक है, तो यूबीक्यूटस हुंदा जी ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, ठीक है, तो यही आ जाते हैं जिवें कोई पुराने राजे महाराजा दी रीडिंग्स होंदियां ने, ठीक है, ये हुण उदां दे वर्ड। प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज हुंदा जी लाइक एन ओपीनियन दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रीजनस, ठीक है, यानी कि बिना किसी तर्क दे कोई सलाह, बिना, ओके इंग्लिश लिख देना एन ओपीनियन That is not
बेस्ड ऑन रीजनस, जिदे विच कोई कारण नहीं है, बस उई बेतुकी जी सलाह कह लो चाहे, ठीक है, कोई काम की ना होनी जा, ठीक है। रिडल तो रिडल होंगे ने बुझारत जड़िया अपने दादा दादी आपां नूं कई बार रात नूं पाउंदे भी होंदे सी, है ना, बुझारत। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट हुंदा जी सोध करनी, मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी हैगी है उन्हूं कह लो रीविजन करना, रिव्यू करना, ठीक है, रिविजन किसी चीज़ की रिविजन करनी, सोध करनी, कोई चीज़ ऑलरेडी हैगी है उहदे विच माइनर जा चेंज करना, ठीक है, अ माइनर चेंज फॉर इंप्रूवमेंट। ओके जी, अगे चलते हैं। प्रूडेंट तो उहदे विच भी यूज़ कर सकते हो, टास्क टू दे विच भी प्रूडेंट, चलो नाल एक स्पोर्टी वर्ड लिख देना, प्रूडेंट स्टैप, ठीक है, जिवें कह दोगे कि स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन कुड बी अ प्रूडेंट स्टैप, तो एजुकेशन दे उपर पैसा स्पेंड करना एक प्रूडेंट स्टैप हो सकता है। प्रूडेंट स्टैप मतलब वाइज, वाइज स्टैप मतलब सियाने, सियाणप हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दिना नाल, चलो जैरेंट बन रहा, स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन कुड बी अ प्रूडेंट स्टैप, स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन कुड बी अ प्रूडेंट स्टैप, हाँ जी, ठीक है। ओके जी, अगे चलते हैं। इनहैरी इनहैरिटेट, इनहैरिट्स, चलो इनहैरिट्स तो यह मतलब होंगे विरासत दे विच किसी चीज़ का मिलना, विरासत विच किसी चीज़ का मिलना, ट्रेडिशनल कह लो। तो यह जिहड़ियां राजे महाराजियां वाली रीडिंग्स आपां नूं आ जांदियां ने उहनां दे विच आउंदे ने इह वर्ड, ठीक है। एक लिख लो एक्सटॉर्म्ड, एकू स्टॉर्म्ड मतलब आदि होना, ठीक है, इंग्लिश दे विच कह दोगे यूज़ टू, ठीक है। जे तुसी राइटिंग च यूज़ करना चाहुंदे हो थोड़ी थोड़ी नज़र आप मार लिया करो प्लीज़, बट मैं थोनू रिकमेंड करूँगा जेडे मैं रीडिंग लिए लिखवा रहा इन्हां नू रीडिंग तक सहमत रखियो। फ्लॉड मतलब फॉल्टी, फॉल्टी जिमें कह लो, ओके, फॉल्टी स्टेटमेंट भी, ये स्टेटमेंट गलत आ, फ्लॉड आ, ठीक है, फ्लॉड तो फॉल्टी स्टेटमेंट मतलब सही ना होना किसी चीज़ का, ठीक है। रीफॉर्म तो एक आप उपर वर्ड जोड़ा किया है कि अमेंडमेंट, ठीक है, वह ही कह लो एक तरह का सिनोनिम है। रीफॉर्म करना यानी कि किसी चीज़ नू ढा के दोबारा बनाना, वो वर्ड सीगा जेड़ा अमेंडमेंट, उहदा मीनिंग हो जाता है कि किसी चीज़ नू दोबारा देख के उहदे च सोध करनी, तो रीफॉर्म हो गया चेंजेस करनिया कुछ, ठीक है, मेकिंग बैटर कुछ चीज़, किसी चीज़ नू थोड़ा जा वधिया बनाउणा पहलां दे नालों, ठीक है। सैकेंड लास्ट देखो, इंटरग्रेट, सॉरी इंटरग्रेट नहीं, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट स्पेलिंग द कमेंट इशू है। ओके तो इहदा मीनिंग हुंदा जी कंबाइन करना, कंबाइन करना मतलब एक तो वध चीज़ां नूं आपस च कंबाइन करना, इहदे नाल दा एक वर्ड होर है इंटग्रेशन, ठीक है,
ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਲਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਫੋਰ ਮੋਰ ਅਪਡੇਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।